कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी हंगामा हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे, जिसके खिलाफ शनिवार को इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा संयोगितागत थाने पहुंचकर प्रियंका गांधी एवं अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन दिया है। प्रियंका गांधी द्वारा विगत दिन अभी से लगभग 20 घंटे पूर्व एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी कॉन्ट्रैक्टरों के काम बिना 50% की सरकार कमीशन के बिना नहीं हो रहे हैं। और एक लेटर वायरल किया गया, लेटर पोस्ट किया गया, जो कि किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति का पत्र था। जब हमारे द्वारा ग्वालियर में हमारे साथी कार्यकर्ता अधिवक्ताओं से ज्ञानेंद्र अवस्थी के बारे में जानकारी ली गई, पता किया गया ऐसा कोई लघु मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ है, तो ऐसी कोई भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं की, जिससे हमें संदेह हुआ। फिर हमने ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब रिसर्च की, देखा तो सारे इस प्रकार के पोस्ट सिर्फ कांग्रेसी नेताओं द्वारा वायरल किए जा रहे थे, जो निश्चित ही एक योजनाबद्ध रूप से उनके द्वारा मध्य प्रदेश शासन की छवि को धूमिल करने के लिए तैयार कर ऐसे फर्जी पत्र तैयार कर वायरल किए गए। यदि कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी होता और ऐसा कोई संघ होता तो 25 जुलाई से अभी तक कांग्रेस BCO प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको खड़ा करके और अपने आरोपों की पुष्टि कर चुकी होती। तो हमारी मांग है कि उस पत्र की भी जांच की जाए, इनके ट्वीट्स की भी जांच की जाए, इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए, भ्रम फैलाने को लेकर और छवि धूमिल करने को लेकर। और अगर ऐसे कोई वास्तव में आरोप हैं तो पुलिस जांच करके उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करे। इनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं किन लोगों की? मैं प्रियंका गांधी, अरुण यादव, कमलनाथ व जो कांग्रेस के अन्य नेता, जिला पदाधिकारी जो अपने सोशल मीडिया साइट से इस प्रकार की पोस्टें कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ। हाँ, कुछ लोग उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा बताया गया कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारी डाली गई, तो उस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जो वस्तु स्थिति है, जो सोशल मीडिया में जो चीजें डाली गई है, हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उससे सारे तथ्य निकाले जाएंगे, जो लीगल कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है, साथ ही किसी समाचार पत्र की कटिंग शेयर की हुई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।